गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 26 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन को। पहला क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम 2023 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये कौन सी गेम में जीता इन्होंने? तो शूटिंग में जीता है इन्होंने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग पैरा एशियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो पैरा एशियन गेम है वो कहाँ पे हो रहे हैं? तो चाइना के होंगजोहू में, जहाँ पे अभी एशियन गेम हुआ है। तो इसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे हैं भारत के, यानी ध्वजवाहक? तो पारुल परमार और अमित सरोह। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फोटो में, ये दोनों बैठे हुए हैं। कौन सा एडिशन इस बार? तो चौथा है। होस्ट कहाँ पे हो, मतलब हो रहा कहाँ पे? तो चाइना के होंगजोहू में हो रहा है ये। मैस्कॉट क्या है? तो फेफाई इसका मैस्कॉट है। 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक ये चलेगा। टोटल इस समय 22 गेम इसमें शामिल किए गए हैं। और जो फर्स्ट टाइम प्ले इसमें, जो मतलब पहली बार जो गेम खेला जा रहा है, वो है कैनोइंग और दूसरा है ताइक्वांडो। और जो एशियन गेम अभी ख़त्म हुए हैं उसमें भारत अगर पूछ ले किस प्लेस पर था, तो चौथे प्लेस पर था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ पे? मैनहट्टन आइलैंड जो है उसी पर इसका हेडक्वार्टर है, यूएस में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे तो वो है 193, और लेटेस्ट जो ऐड हुआ था इसमें वो है साउथ सूडान। और परमानेंट मेंबर इसके कौन कौन देश हैं? तो चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, यूके है और यूएसए है। यूएनओ के बारे में और जानते हैं थोड़ा हम लोग। यूएनओ के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, मतलब प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग्वी ली थे, ये पहले वाले थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्वे से। वर्तमान में अगर पूछे कौन सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, तो वह एंटोनियो गुटारिस, और ये पुर्तगाल यानी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ऑर्गन ऑफ यूएनओ, मतलब कितने पार्ट होते हैं इसके? तो एक होता है जनरल असेंबली, जिसे हम लोग महासभा बोलते हैं। एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद बोलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, आर्थिक व सामाजिक परिषद बोलते हैं उसे। सिक्रेटेरिएट होता है, उसे सचिवालय बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है। तो ये छः इसके ऑर्गन यानी पार्ट होते हैं, किसके? यूएनओ के। अब कभी कभी पूछ लेता है इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो जो पहले के चार हैं यानी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सेक्रेटरिएट, इनके जो हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वो न्यूयॉर्क में है, वहीं पे मैनहट्टन आइलैंड पे। लेकिन जो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका हेडक्वार्टर है आपका हेग, द हेग नीदरलैंड में पड़ता है ये। तो इतनी बातें यूएनओ से ध्यान रखें आप लोग, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आधिकारिक रूप से जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी और स्पीसीज घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरला। कौन सा राज्य बना है? केरला बना है। केरला में पूछे किस डिस्ट्रिक्ट को ये बनाया गया है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का आप क्या खुद का ट्री, फ्लावर, बर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का। ट्री में रखा गया है कांजीराम ट्री को। बर्ड में कौन है? तो वाइट ब्लूट सी हॉक है। फ्लावर में क्या है? तो पोरिया पोलो थली, ये वो है फ्लावर। और स्पीसीज की बात करेंगे तो साफ सेल कछुआ है। केरला की बात आई है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर वहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। और वहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इतनी बातें ध्यान रखें यहाँ केरला से। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है? तो उसका नाम है तेज साइक्लोन यानी तेज चक्रवात। ये कहाँ पे आया था? तो अरबियन सी में यहाँ पे आया हुआ है। किसने इसका नाम रखा? ना तो नाम रखा इसका इंडिया यानी भारत ने। और अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में भी आया था क्या साइक्लोन, क्या नाम था उसका? तो हमून नाम का साइक्लोन यहाँ पे आया था। हमून यहाँ पे लिखा इंग्लिश में, ये हिंदी में हो गया, हमून नाम का आया था। इसका नाम अगर पूछे किसने रखा? तो ईरान ने इसका नाम रखा था, ईरान ने। तो हमून नाम रखा था ईरान ने। और जो अरेबियन सी में आया है तेज, उसका नाम रखा है भारत ने। हाल ही में
रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, ये जो हुआ है बेसिकली एक प्रदर्शनी है, तो इसमें वन्य जीव के जो प्रति जागरूकता है उसका फैलाना इसका उद्देश्य है। और भारत की प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है, तो वह हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इसको भी ध्यान रखें। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 24 अक्टूबर को। पोलियो की बात आई है तो यह वायरस से फैलता है। मीडियम क्या होता है इसके फैलने का, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये फैलता है पोलियो वायरस। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सुमन गिल। सुमन गिल कहाँ के हैं, तो ये भारत के हैं। सबसे फास्टेस्ट इन्होंने 2000 रन बनाया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो हासिम अमला साउथ अफ्रीका के हैं, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और अभी कल के मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाया है मात्र 40 गेंदों में। किसमें, तो ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है 40 गेंदों में इन्होंने लगाया है। किसने, मैक्सवेल ने, किसके खिलाफ, तो नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। हाल ही में फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विजय देवरकोंडा, ये है इनका फ़ोटो विजय देवरकोंडा का। मोहम्मद शमी अभी हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। शाहरुख खान 2023 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ध्यान रखें, शाहरुख खान उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ इजिप्ट में। इजिप्ट यानी मिस्र की बात हो रही है। मिस्र की राजधानी क्या है, तो काहिरा है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये किसने चलाया था, तो हमास ने इसराइल पर अटैक करने के लिए इस मिशन को चलाया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने चलाया था, तो ये इसराइल ने चलाया हमास के ऊपर उसका जवाब देने के लिए। और ऑपरेशन अजय ये भारत ने चलाया इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और हाल ही में हरिमऊ शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।